नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। आम जिंदगी में लोग कई रिश्तों में बंधे होते हैं। माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, भाभी देवर का रिश्ता और तो और जीजा और साली का रिश्ता। आम जिंदगी के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी आपको कई रिश्ते देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जीजा साली का रिश्ता बेहद खास और प्यारा होता है, फिर चाहे वो पर्दे पर हो या रियल लाइफ में। साथ ही ये रिश्ता हंसी मजाक वाला होता है। वही आज हम आपको बॉलीवुड के रियल लाइफ जीजा साली जोड़ी से मिलवाने जा रहे हैं, जिनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। तो चलिए, इंतजार किस बात का, दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। अक्षय कुमार, रिंकी खन्ना। रिंकी खन्ना बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना की छोटी बहन है। रिंकी खन्ना भी बॉलीवुड में काम कर चुकी है, लेकिन वो इस इंडस्ट्री में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अक्षय कुमार रिंकी खन्ना के जीजा हैं और जीजा साली की ये जोड़ी बॉलीवुड में बहुत मशहूर है। अक्षय कुमार और रिंकी दोनों ही काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। सैफ अली खान, करिश्मा कपूर। ये दोनों 90s में कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, लेकिन हम साथ साथ हैं में दोनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। फिल्मी पर्दे पर एक दूसरे संग रोमांस करने वाले सैफ करिश्मा को क्या पता था कि आगे चलकर सैफ करीना को अपनी बेगम बनाकर करिश्मा को अपनी साली बना लेंगे। बता दें कि जीजा साली की ये जोड़ी बॉलीवुड के साथ साथ आम लोगों के बीच भी काफी फेमस है। हमेशा ही दोनों साथ में कई जगहों पर दिखी जाते हैं। राज कुंद्रा, शमिता शेट्टी। ये तो हर कोई जानता है कि शमिता शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन है। दोनों ही बहनों ने फिल्मों में काम किया है, लेकिन जहां शिल्पा हिट रही तो वहीं शमिता का करियर फ्लॉप रहा। लेकिन शमिता शेट्टी की अपने जीजू राज कुंद्रा के साथ काफी पटरी खाती है। दोनों ही एक दूसरे की काफी इज्जत करते हैं, साथ ही जीजा साली की ये जोड़ी काफी कूल है। अजय देवगन, रानी मुखर्जी और तनिषा मुखर्जी। ये तो सभी को पता है कि तनिषा मुखर्जी काजोल की छोटी बहन है। वही बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी काजोल की कजन सिस्टर है। इस हिसाब से तनिषा और काजोल दोनों ही अजय की सालियां हैं। बता दें कि अजय देवगन की इन दोनों के साथ ही काफी अच्छी बॉन्डिंग। बॉलीवुड में भी जीजा साली की ये जोड़ी काफी मशहूर है। अजय देवगन और रानी मुखर्जी दोनों ही इंडस्ट्री के बड़े सितारे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ने एक साथ फिल्म चोरी चोरी में काम भी किया है। इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। काजोल, आदित्य चोपड़ा। रानी मुखर्जी और काजोल कजन सिस्टर्स हैं। ऐसे में रानी के पति मशहूर डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा जीजा साली हुए। आदित्य और काजोल की जोड़ी तो मशहूर है, लेकिन ये कम ही साथ नजर आते हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में आदित्य ने काजोल को कास्ट किया था। उस टाइम कहां किसी को पता था कि आगे जाकर दोनों जीजा साली के रिश्ते में बंध जाएंगे। परिणीति चोपड़ा, निक जोनस। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा प्रियंका की कजन सिस्टर है। इस हिसाब से निक जोनस परी के जीजू हैं। दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। निक जब भी इंडिया आते हैं परिणीति के साथ काफी मस्ती करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान परी ने भी कहा था कि निक काफी कूल हैं और खूब मस्ती करते हैं। बता दें कि निक जोनस को नेशनल जीजू तक का टैग मिल गया है। शक्ति कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे। पद्मिनी कोल्हापुरे रिश्ते में शक्ति कपूर की साली लगती है। पद्मिनी की बड़ी बहन शिवांगी कपूर शक्ति कपूर की वाइफ है, इसीलिए शक्ति कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी के बीच जीजा और साली का रिश्ता है। दोनों के बीच बेहद ही जबरदस्त बॉन्डिंग है, जिसका सबूत सबने कपिल शर्मा के शो पर देख लिया था। इन स्टार्स के अलावा रणधीर कपूर, साधना, महेश बाबू, शिल्पा शिरोडकर और सूर्या नगमा जैसे स्टार्स भी असल जिंदगी में जीजा और साली का रिश्ता रखते हैं। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।